आज आपको बताएंगे बाबू, कल मैं बताया था विभाव, आज आपको बताना है बाबू अनुभाव। कई बार मैं बताया हूं कि हिंदी के शब्द बोलने से ही उसका अर्थ स्पर्श जाता है, हिंदी का शब्द अपने आप अर्थ को शो कर देता है। जैसे हमने लिखा है अनुभाव, अनुभाव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द है अनु और दूसरा शब्द है भाव। अनु का अर्थ होता है पीछे और भाव का अर्थ होता है भावना, जो भावना पीछे प्रकट हो वही अनुभाव है। जैसे बाबू आप तमाम मूवी देखते हैं, मूवी में नायक जो है नायिका को छोड़ के चला जाता है, नायिका बड़ी देर तक रोती है बिलखती है, और जब बंद रोना बंद कर देती है उसके बाद घर जाकर कुछ तोड़ फोड़ मचाती है या कुछ ऐसा करती है जैसे उसके अंदर की भावना प्रकट हो जाए, उसके अंदर की भावना प्रकट होगी वही अनुभाव है। तमाम मूवी बनी है बाबू या फिल्में बनी है उसमें रस और अलंकार का काफी प्रयोग किया गया है। आपने देखा है कि नायक और नायिका में ज्यादातर रस का प्रयोग किया गया है, अलंकार का प्रयोग किया गया है। वैसे इसका परिभाषा अनुभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और भाव का अर्थ हम पीछे और भाव का अर्थ होता है पीछे, हाँ भाव का अर्थ होता है भावना, अर्थात जो भावना नायिका में विरह के बाद उत्पन्न हो। जैसे हमने बता दिया कि जो भावना नायिका में विरह के बाद उत्पन्न होगा वही अनुभाव है, उसे अनुभाव हम कहते हैं। अनुभाव चार प्रकार के माने गए हैं, पहला कायिक अनुभाव है, वाचिक अनुभाव है, सात्विक अनुभाव है और आहार्य अनुभाव है। तो पहला मैं आपको बता दूं, कायिक माने होता है, कायिक अनुभाव का अर्थ होता है कायिक माने काया, शरीर से मतलब है। तो कायिक अनुभाव जहां भी आपको दिखेगा तो तुरंत आप कंफर्म कर लेंगे कि यहां नायक नायिका का मिलन हुआ है, माने दोनों के शरीर का मिलन हुआ है वही कायिक अनुभाव है। जिसे हमने परिभाषा दिया है शरीर में होने वाले अनुभाव, शरीर में होने वाले अनुभव कायिक है, यानी एक दूसरे की शरीर, एक शरीर दूसरे से मिली है वही कायिक अनुभव है। जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ना, अब आप रस कर रहे हैं तो आनंद तो आएगा ही आएगा, नायक नायिका कायिक अनुभव में मिलेंगे वही कायिक अनुभव है। वाची क्या है, वाचिक माने वाचक होता है बोलना, बोल करके अपनी बात को रखे। जैसे किसी विशेष प्रसंग के वशीभूत होकर, यानी कोई ऐसा प्रसंग है जिसे नायक या नायिका द्वारा वाणी के माध्यम से बोल करके, वाचिक माने होता है बोलना, वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति वाचिक अनुभव है। नायक या नायिका बोल करके जो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है वही वाचिक अनुभव है, वाचिक माने होता है बोलना। अब आपको सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव क्या है, सात्विक का सीधा अर्थ मन से है, सात्विक का सीधा अर्थ मन से है, यानी जो अनुभव मन में आए भाव के कारण, जो मन में भावना आ जाए। अब साथ देख ले, जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, मन में जो भावनाएं आती है और जो भावना प्रकट हो जाती है उसी को हम सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसे
पसीना आना, कपकपी लगना, ये क्या है? ये सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव बाबू आठ प्रकार के बताए गए हैं। स्वेद है, रोमांच है, स्वर भंग है, कंप है, विवर्णता है, अस्तंभ है, अश्रु है, पर प्रलाप है। ये आठ प्रकार के होते हैं। बाबू संचारी भाव अब जानेंगे। संचारी शब्द से आपको पता चल गया होगा कि संचारी शब्द का अर्थ क्या होता है। संचारी का अर्थ होता है संचरण करना, बहना, अर्थात जो भाव नायक और नायिका के चेहरे पर संचारित या बहता है उसे संचारित भाव, उसे संचारित भाव कहते हैं या संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 बताई गई है। संचारी भाव जो होता है पानी के बुलबुले की तरह बनते बिगड़ता रहता है, यह अस्थायी नहीं होता है। संचारी भाव हमने कहा ये चलता रहता है, नायक और नायिका के चेहरे पर हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ये बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन अस्थाई भाव जो है संचारी भाव के पश्चात, यानी इसके पश्चात, संचारी भाव के पश्चात मानव मन में पैदा होने वाला वह भाव जो कभी बदले ना, संचारी भाव के पश्चात मानव मन में पैदा होने वाला वह भाव जो कभी न बदले उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई से तो आपको पता चल गया होगा कि अस्थाई क्या क्या मतलब होता है। अस्थाई माने अस्थिर रहना, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव न होना, उसी को अस्थाई कहते हैं। अस्थाई बदलते रहता है उसको अस्थाई नहीं कहेंगे। जैसे कहा संचारी, संचारी जो है बदलता रहता है, लेकिन अस्थाई भाव बदलता रहता नहीं है। जो कभी न बदले उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या 9 बताई गई है, भरत मुनि है 8 बता रहे हैं। लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा अब 10 रस बताया गया है। 10 रस बताया गया है, तो जब 10 रस बताया गया है तो 10 अस्थाई भाव भी होगा। यानी अस्थाई भाव कभी बदलेगा नहीं, वही अस्थाई भाव है असंचारी भाव, जो हमेशा पानी के बुलबुले की तरह बनते और बिगड़ते रहता है, वो संचारी भाव है। थैंक यू।